चेन्नई में पिछले साल आई बाढ़ को कई सियासी पंडित जयललिता के लिए हार का सैलाब बता रहे थे, लेकिन चुनावी नतीजों ने सारे सर्वे और एग्जिट पोल के समीकरणों को पलट कर रख दिया। जयललिता की पार्टी AIADMK ने 32 साल पुराने इतिहास को दोहराते हुए लगातार दूसरी बार सूबे में सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। जयललिता ने DMK कांग्रेस गठबंधन को इस तरह से चुनावी मैदान में पटका कि उसके लिए हाल फिलहाल इससे उबरना मुश्किल है। जयललिता ने मुफ्त सामानों और तोहफों की लंबी लिस्ट वाला चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था ताकि सत्ता विरोधी रुझान की धार को कम किया जा सके। 68 साल की जयललिता छठी बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनेगी। केरल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट की अगुवाई वाली LDF ने बाजी मारी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF को लोगों ने नकार दिया। वहीं BJP भी विधानसभा चुनाव में अपना खाता खोलने में कामयाब रही। केरल के विधानसभा चुनाव में LDF गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई है। केरल की जनता ने कांग्रेस की अगुवाई वाले UDF फ्रंट की बजाय लेफ्ट की अगुवाई वाले LDF फ्रंट पर भरोसा करना ज्यादा बेहतर समझा। That is a very, very big victory in Kerala. So we salute the people of Kerala for the faith they have reposed in the LDF. हालांकि इन चुनाव में BJP ने भी इतिहास बनाया है। 65 साल के इतिहास में पहली बार BJP विधानसभा में अपना खाता खोलने में कामयाब रही। BJP के 86 साल के ओ राजगोपाल ने अपनी पार्टी को पहली कामयाबी दिलाई। वहीं मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल में हार की जिम्मेदारी ली है। This is an unexpected verdict, but we accept because in a democratic system, the decision of the people is the final. केरल में ओमन चांडी सरकार पर लगातार घोटाले के आरोप लगते रहे, जिसने कांग्रेस के छवि को बट्टा लगाया और नतीजा अब हार के तौर पर सामने है। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कई मशहूर हस्तियों ने हाथ आजमाया। इनमें से कई को जीत मिली तो कुछ के हिस्से हार भी आई। 5 राज्यों में राजनीतिक पार्टियों ने कई मशहूर चेहरों पर अपना भरोसा जताया था। केरल में पूर्व क्रिकेटर एस श्रीशांत तिरुवनंतपुरम सीट से BJP के उम्मीदवार थे। उन्हें जीत का भरोसा भी था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही हाल स्टार फुटबॉलर बायचुंग भूटिया का भी रहा। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके भूटिया इस बार विधानसभा के लिए TMC के टिकट पर खुद को आजमाने उतरे थे, लेकिन इस बार भी उन्हें हार ही मिली। No, I think it's always disappointing jokhon harbe, but I think at the same time you've got to respect people's verdict. वहीं BJP ने पश्चिम बंगाल में अपना आधार मजबूत करने के इरादे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परपोते चंद्र कुमार बोस को उम्मीदवार बनाया था। चंद्र कुमार भवानीपुर से CM ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसा ही कुछ हाल हावड़ा उत्तर से मशहूर एक्ट्रेस रूपा गांगुली का भी रहा। हालांकि TMC के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली एक्ट्रेस देवश्री रॉय दीघी सीट से चुनाव जीत गईं। इन चुनाव में मशहूर हस्तियों को मिली जीत और हार ने इस बात को साबित कर दिया कि चुनाव में उनका जादू नहीं चला, बल्कि उस पार्टी का चला जिसकी तरफ से वो मैदान में उतरे थे। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में CPM दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। आरोप TMC कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मिली बड़ी जीत के बाद आसनसोल में TMC कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप है कि TMC कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न CPM के दफ्तर में तोड़फोड़ करके मनाया। शुरुआती रुझानों में TMC को बहुमत बनाते देख दोपहर में पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में डंडे और पेट्रोल लेकर CPM के दफ्तर पहुंचे। TMC कार्यकर्ताओं ने पहले तो इस दफ्तर में तोड़फोड़ की और फिर CPM के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। इससे पहले भी TMC कार्यकर्ताओं और CPM कार्यकर्ताओं के बीच कई बार झड़प देखने को मिल चुकी है। कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद उज्जैन पहुंची मालेगांव ब्लास्ट मामले की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ने आज सिंहस्थ कुंभ में छिप्रा नदी में डुबकी लगाई। इसके पहले उन्होंने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पूजा भी की। उज्जैन पहुंची मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ने आज उज्जैन में छिप्रा नदी में स्नान किया। विजय होती है सत्यमेव जयते, ये डुबकी उसके नाम की।
इससे पहले कल साध्वी प्रज्ञा को देर रात CHL अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज सुबह डॉक्टर के चेकअप के बाद करीब 12 बजे के बाद उन्हें भारी सुरक्षा के बीच महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए लाया गया। उज्जैन में मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे VIP महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुसकर पूजा नहीं कर पा रहे हूं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने यहां करीब 20 मिनट तक रुककर विधि विधान से पूजा पाठ किया। सिंहस्थ कुंभ की वजह से फिलहाल किसी को गर्भगृह में एंट्री की इजाजत न देने के निर्देश कलेक्टर की तरफ से जारी किए गए थे। साध्वी प्रज्ञा को कल भोपाल से उज्जैन लाया गया था। कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस साध्वी प्रज्ञा को उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में स्नान के लिए नहीं ले जा रही थी, जिसके बाद साध्वी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। अपने एक हफ्ते के भारत दौरे पर एप्पल के CEO टिम कुक आज हैदराबाद पहुंचे। कुक ने हैदराबाद में न्यू डिजिटल मैप सेंटर खोलने का ऐलान किया। एप्पल के CEO टिम कुक ने आज हैदराबाद में तेलंगाना के CM से मुलाकात की, जिसके बाद एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए कुक ने हैदराबाद में मेगा एप्पल कैंपस बनाने का भी ऐलान किया। अमेरिका से बाहर एप्पल का ये पहला टेक्नोलॉजी सेंटर है। कुक ने बताया कि भारत से उन्हें इतना प्यार मिलेगा इसकी उम्मीद उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। एप्पल की तरफ से शुरू होने जा रहे नए डिजिटल मैप सेंटर से देश के करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे पहले कल देर रात कुक के लिए मुंबई में शाहरुख खान ने अपने बंगले मन्नत पर एक डिनर रखा था, जिसमें बॉलीवुड की कई नामी हस्तियां भी मौजूद थीं। टिम कुक का ये पहला भारत दौरा है। इस दौरे पर कुक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के एक अफसर की अगुवाई में भारतीय सेना की माउंटेनियरिंग टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। सेना ने यह काम 2 साल बाद किया है, क्योंकि नेपाल में भूकंप आने के बाद ट्रैकिंग 2 साल के लिए रुकी हुई थी। भारतीय सेना की एक टीम आज माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई। इस पर्वतारोही टीम की अगुवाई लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर जामवाल ने की। आर्मी के प्रवक्ता ने बताया कि खराब मौसम के बावजूद ये टीम सुबह 6:07 पर एवरेस्ट पर चढ़ाई में कामयाब रही। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने भी एवरेस्ट पर पहुंचने वाली टीम को बधाई दी है। 8,848 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में पिछले साल आए भूकंप के बाद हुए लैंडस्लाइड में कई सारे बेस कैंप तबाह हो गए थे और कई पर्वतारोही और शेरपा इसमें मारे गए थे। मध्य प्रदेश के भोपाल में कुछ लड़कों ने एक अस्पताल में घुसकर एक डॉक्टर की जमकर पिटाई की। हैरानी की बात यह है कि पुलिस के पास CCTV फुटेज होने के बावजूद वो आरोपियों को पकड़ने में अब तक नाकाम रही है। घटना भोपाल के रेड क्रॉस हॉस्पिटल की है, जहां कुछ लड़कों ने हॉस्पिटल में घुसकर एक डॉक्टर पर हमला बोल दिया। मामला 16 मई यानी 3 दिन पुराना है, जब ये लड़के अपने दोस्त को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाए थे, लेकिन किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद इन लड़कों ने डॉक्टर राजेंद्र कुमार मौर्य की जमकर पिटाई कर डाली। आरोप है कि मारपीट करने वाले लड़के शराब के नशे में थे और उन्होंने डॉक्टर की इतनी पिटाई की कि उसके सिर में 6 टांके आए हैं। एक आदमी उनके साथ में से जो था वो लौट कर आया और ये बीपीएसमैन उठा के मैं यहीं बैठा हुआ था और मेरे सर में एकदम से दे मारा। वहीं पुलिस अब कार्रवाई की बात कह रही है। अस्पताल के भीतर मारपीट की वारदात, शहर में पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। पेरिस से मिस्र के काहिरा जा रहा इजिप्ट एयरलाइंस का एक प्लेन आज क्रैश हो गया। प्लेन में सवार 10 क्रू मेंबर समेत सभी 56 पैसेंजर्स के मारे जाने की खबर है। इजिप्ट एयरलाइंस के मुताबिक ग्रीक मर्चेंट नेवी ने साउथ मेडिटेरियन समुद्र में क्रैश होते किसी प्लेन के गिरने की बात कही है। भारतीय समय अनुसार सुबह करीब 6 बजे के लगभग प्लेन से एयर ट्रैफिक का संपर्क टूट गया, जिसके बाद वो रडार से भी लापता हो गया। MS-804 पेरिस से काहिरा जा रहा था। एयरलाइंस के मुताबिक प्लेन में 56 यात्री और फ्लाइंग क्रू के 10 सदस्य मौजूद थे। प्लेन के मलबे और शवों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है।